हॉस्पिटल में जो एमसीडी के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया है इनको। वहाँ पर कोविड पेशेंट्स हैं हिंदूराव हॉस्पिटल में, तो कोविड पेशेंट्स को हमने आदेश दिया है कि उनको शिफ्ट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तो वहाँ पर संडे से हड़ताल की चांसेस हैं कि संडे से वो देखना बंद कर देंगे। मेरा एनसीडी को कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जरूर दें, जल्द से जल्द दें। और अगर एमसीडी से, नॉर्थ एमसीडी से अस्पताल, कस्तूरबा हॉस्पिटल और हिंदूराव हॉस्पिटल, इन दोनों की सैलरी नहीं दी गई है, अगर उनसे नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली सरकार को सौंप दें, हम चला लेंगे और हम उनकी सैलरी दे देंगे। सर, क्या जानकारी आपको मिली है कि कितना अभी तक सैलरी नहीं हिंदूराव देखेगा, अस्पताल ने हमने देना है, तो या नगर निगम के कितने अस्पताल है जहां पर बकाया है और अखबार अभी में तक हमने सर से परेशान है? दो दो अस्पतालों के बारे में पढ़ा है, आज अखबारों में जो छपा है, हिंदूराव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, उन दोनों के अंदर इन्होंने सैलरीज शायद नहीं दी हैं। तो मेरा यही कहना है कि सैलरीज दें, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दिल्ली सरकार को अस्पताल दे दें, हम देख लेते हैं। कितने मरीजों का अस्पताल इलाज चल रहा है वहां पर इन इस दोनों टाइम हॉस्पिटल में? पर हिंदूराव में 20 पेशेंट हैं, कोविड के 20 पेशेंट हैं, जिसको हमने आदेश दिए हैं कि उनको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। सर, एमसीडी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार की वजह से उनको प्राइवेट दे पा रहे हैं, और दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी के अस्पतालों की जिम्मेदारी है। देखिए, जो जिसका है उसी की जिम्मेदारी, अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही है तो हम लेने को तैयार हैं। हमने कभी हमें दे दीजिए, आपसे सब नहीं संभाल रहा है। ये कौन से अस्पताल में आप शिफ्ट कर रहे हैं, एलएनजेपी या? हमने पेशेंट्स को ऑफर दिया जाएगा एलएनजेपी में चले जाएँ या दिल्ली सरकार के किसी और में, जो कई घर के पास भी जाना चाहेंगे, जिस भी अस्पताल में वो जाना चाहेंगे वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरीके से वहाँ लगातार डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या सरकार ये सोच रही है कि वहाँ पर जो कोविड की फैसिलिटी जो उसको बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर को अभी लाने हमने के आज लिए? कहा है ना, जितने भी कोविड पेशेंट हैं उन सभी को दिल्ली सरकार के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। सर, ये कोरोना के लिए उपाय है लेकिन मुस्लिम बीमारी की वहाँ पर अभी इलाज वहाँ पर नहीं और किसी करते चीज़ हैं, का बीमारी का इलाज नहीं चल रहा है, अस्पताल सिर्फ कोरोना के 20 पेशेंट और तो आगे कोविड। आने वाले दिनों में अगर यही समस्या रही तो हमने कहा है ना आपको, बता तो दिया कि अगर उनसे नहीं चलता है तो हमें दे दें। तो ये शिफ्ट किया जाना है या कर दिया है आपने? शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं, आज शिफ्ट किया जा रहा है। आज शिफ्ट किया जाए। तो आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से देश की राजधानी में हालात है, अब तक कई बार हिंदूराव अस्पताल में सैलरी का मुद्दा उठाया जा चुका है और अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली, तो काफी लेट नहीं है ये? काफी दिनों से परेशान है, महीनों से परेशान है अस्पताल में, वहां डॉक्टर देखिएगा, की ये कमी है। राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, अभी भी मैंने कहा है कि अगर आपसे नहीं चल रहा है तो हमें दे दो, सैलरी दे सकते हैं तो आप दीजिएगा, नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, अस्पताल हम चला लेंगे। क्या आपका मानना है कि नगर निगम के पास क्या वाकई फंड नहीं है या फंड फिर की कोई तो कोई और? कमी नहीं है, ये कितने तरह के टैक्स लगाते हैं, कितना पैसा कलेक्ट करते हैं, परंतु तो पैसा कहाँ जाता है कोई हिसाब नहीं पता लगाता इसका। लेकिन सर, जो लेयर है उनके वो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि हमारे हिस्से का पैसा दिल्ली सरकार आरोप की बात लेती कौन कर रहा है, उनका तो काम है, उनको तो अभी कहते हैं केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि आप लोग हेल्थ लाइसेंस जो देते हैं वो हटा लीजिए, उसको भी हटाने को तैयार नहीं है। तो वो तो अपनी तरफ से चलता रहा, हमने कहा है कि उनसे अगर नहीं चल रहा है तो हमें दे दें, चला सकते हैं तो चलाइएगा, बड़ी अच्छी की बात है, आपने तनख्वाह दीजिएगा, सब तरह से चलाइएगा। सर। इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए दिल्ली किस तरह तैयार है? प्रदूषण को लेकर भी सरकार की कुछ तैयारी है, क्योंकि इसी देखिए तरह हेल्थ प्रदूषण के पर बारे भी में, इसका अटैक होना है। देखिए प्रदूषण के बारे में मुख्यमंत्री जी पिछले कई दिनों से आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी की जा रही है, दिल्ली के अंदर जो पराली जलाई जाती है उसको ना जलाया जाए, उसके लिए हमने किसानों के लिए पूरा प्रबंध किया है, भूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कि उसके लिए घोल बनवाया गया ताकि वो जमीन खेतों में लगाया जाएगा तो उससे वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। और ये तरीका बाकी स्टेट भी इसको अपना सकते हैं, बाकी जो तरीके हैं वो भी अपना सकते हैं। दिल्ली में स्मोक टावर लगाने का भी कल ही कैबिनेट ने फैसला किया है, और जो ग्रैप है उसको भी लागू जिस तरह से होगा किया जाएगा। तो लेकिन काफी बड़ा हिस्सा व्हीकल पोल्यूशन का भी है, उसे लेकर आपको लगता है कि ऑड इवन जैसी स्कीम दिल्ली में देखिए, अपनानी जो पड़ेगी? अभी जरूरत नहीं है, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ दिल्ली में 15,000 केसेस पर डे हो सकते हैं, आपका क्या अनुमान है और क्या उसके लिए सरकार ने देखिएगा, क्या? हम अनुमान देंगे फिर आप शोर मचाएंगे। पिछली बारी मनीष जी ने कह दिया था कि एक्सपर्ट्स ने कहा है, तो आपने कहा मनीष जी ने लोगों को डरा दिया है, अब आप खुद ही बताते रहिए जो एक्सपर्ट्स ने कहा उसको बताते रहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में अभी तक का हाईएस्ट 4,500 पेशेंट आए हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। अब 15,000 एक दिन में आएंगे या नहीं आएंगे वो एक्सपर्ट बताएंगे आपको। सर, अगर ऐसी कुछ रिपोर्ट है तो उसको लेकर सरकार रिपोर्ट तो क्या आप लोगों दे ने रही है? सबने बताया ना, रिपोर्ट है,
रिपोर्ट कहते हैं जो कमेटी बनाई गई थी एलजी साहब के द्वारा, उसने रिपोर्ट दी है। तो आप मान रहे हैं कि ये दिल्ली के लिए सिर्फ रिपोर्ट है या फिर सभी राज्यों के लिए, आपको क्या लगता है? दिल्ली के लिए ही है, परंतु मैं कह रहा हूँ मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। अभी आपने आज भी अखबार में किसी ने छाप दिया कि सत्येंद्र जैन ने ये कहा है, सत्येंद्र जैन ने नहीं कहा है, उस कमेटी रिपोर्ट ने कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कमेटी ने कहा है। और उसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अभी तक मैक्सिमम 4,500 केस आए हैं और पिछले 9 दिन आज 10वां दिन है 3,000 से कम केसेज आ रहे हैं। अब आप हाइपोथेटिकल बना रहे हैं भाई, जब मनीष जी ने कहा था कि 1.5 लाख केस होंगे, आज 3 लाख केस हो चुके ना, तब कितना शोर मचाया था आप लोगों ने, आप ही लोग मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या गलत बोल दिया है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि 15,000 आएंगे ही आएंगे, मैं कैसे कह दूं आएंगे ही नहीं आएंगे? इस तरह अगर ऐसी आशंका है तो क्या दिल्ली सरकार तैयार है? अभी हम 15,000 पर डे के हिसाब से तैयारी नहीं है आज की डेट में। 4,500 केस जब पर डे आए थे तब दिल्ली की ऑक्यूपेंसी लगभग 50% थी, 16,000 बेड हमारे पास हैं, और अगर केस बढ़ेंगे तो बिल्कुल हम तैयारी करेंगे। अगर जैसे ही केस बढ़ते हैं, हम पहले भी हमने तैयारियां की थी, हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको जरूर बढ़ाया जाएगा। अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है, हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है पूसा इंस्टीट्यूट ने दी है वो सब यूज कर सकते हैं। आदर्श आदर्श नगर में जो मामला आया है, रात में 19 साल का लड़का था, उसकी हत्या पीटी कर दी गई, तो गृहमंत्री के तौर पर इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अब इसको देखिएगा, आप गृहमंत्री के तौर पे तो ना पूछे तो अच्छा है, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर तो नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर नहीं आता है, ये आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मंत्री के तौर पर पूछ लीजिएगा। दिल्ली के अंदर सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों चीजें केंद्र सरकार के अधीन है। सर जैसा रंग को दिया जा रहा है, अभी मनीष जी वहाँ पे जा रहे हैं तो बताएंगे। देखिए सबसे ज्यादा तो यही है कि लोग प्रिकॉशन रखें, जितना कम इन्फेक्शन हो। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 चीजें, मास्क जरूर लगाइएगा, मास्क लगाने से ही काफी हद तक बचाव हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, हैंड हाइजीन का पालन कीजिएगा, हाथों को बार बार धोइएगा। अगर अपना बचाव खुद रखेंगे, देखो मास्क से आपके दोनों फायदे हैं, पॉल्यूशन से भी बचते हैं और कोरोना से भी बचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने जो प्रश्न पूछा है तो सभी लोगों को 100% लोगों को अगर मास्क लगा के पब्लिक में जाएंगे तो काफी हद तक इससे बचाव मिलेगा। तो लग रहा है कि दिल्ली में क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार भी अगर है तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय होना चाहिए? इसमें मेरी राय बताया ना मैंने आपको, ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार के अधीन है, एलजी साहब इसको देखते हैं, आप उनसे जरा पूछ लीजिएगा। अगर क्राइम बढ़ रहा है ये आप सबको पता है, बता तो दिया कि व्यू ये है कि वो नहीं ठीक से हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू।